बगल के राज्य झारखंड में भी इसी तरह से पूरा हलचल मचा हुआ है हेमंत सोरेन को लेकर, देख रहे हैं ये जो भी हो रहा है। नहीं, ये मतलब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी काफी डरे हुए हैं 2024 के चुनाव को लेकर, मद्देनजर लेकर के, जिस तरह से बिहार में हुआ। मैंने कल भी कहा था कि हमारे बगल के राज्य झारखंड में भी वहाँ की भी यही करने की कोशिश हो रही है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। पहले उनको कि आप हमारे साथ मिल जाइए, और वो शायद नहीं मिल पाए हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। और एक जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री, और उसने समय दिया था कि मैं 29 से लेकर के 31 तारीख के बीच में मैं हाजिर हो जाऊंगा, और जिस तरह से उनके घर पे रेड किया गया और जो भी हुई, खैर ये तो आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं, और वो जरूर जाएंगे। मतलब कहाँ जाएंगे, वो बिल्कुल जाएंगे। वो एजेंसी अगर बुलाई है तो वो जो समय होगा उस पर उनकी कोई मजबूरी रही होगी, वो जरूर जाएंगे पूछताछ के लिए। क्या लग रहा है कि आप किससे डर जाएंगे? देखिए, ये एक शुरुआत है। मैंने कहा कि जिस तरह से 2024 को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, और देश के जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, दल हैं, उनके नेताओं को इसी तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, और देश की जनता इसको बहुत अच्छे से बारीकी से देख रही है। और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री को, 2024 में भुगतना पड़ेगा। बगल के राज्य झारखंड में भी इसी तरह से पूरा हलचल मचा हुआ है हेमंत सोरेन को लेकर, देख रहे हैं ये जो भी हो रहा है। नहीं, ये मतलब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी काफी डरे हुए हैं 2024 के चुनाव को लेकर, मद्देनजर लेकर के, जिस तरह से बिहार में हुआ। मैंने कल भी कहा था कि हमारे बगल के राज्य झारखंड में भी वहाँ की भी यही करने की कोशिश हो रही है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। पहले उनको कि आप हमारे साथ मिल जाइए, और वो शायद नहीं मिल पाए हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। और एक जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री, और उसने समय दिया था कि मैं 29 से लेकर के 31 तारीख के बीच में मैं हाजिर हो जाऊंगा, और जिस तरह से उनके घर पे रेड किया गया और जो भी हुई, खैर ये तो आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं, और वो जरूर जाएंगे। मतलब कहाँ जाएंगे, वो बिल्कुल जाएंगे। वो एजेंसी अगर बुलाई है तो वो जो समय होगा उस पर उनकी कोई मजबूरी रही होगी, वो जरूर जाएंगे पूछताछ के लिए। क्या लग रहा है कि आप किससे डर जाएंगे? देखिए, ये एक शुरुआत है। मैंने कहा कि जिस तरह से 2024 को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, और देश के जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, दल हैं, उनके नेताओं को इसी तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, और देश की जनता इसको बहुत अच्छे से बारीकी से देख रही है। और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री को, 2024 में भुगतना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।